हिंदू धर्म में गणेश जी और तुलसी का अपना एक विशेष महत्व है। जहाँ किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ श्री गणेश से होता है, वहीं लगभग हर घर में तुलसी जी की पूजा की जाती है। पर क्या आप जानते हैं गणेश जी ने तुलसी को क्यों और किस लिए दिया था श्राप? कोई भी मंगल कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी को पूजा जाता है ताकि कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो। मान्यता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी अपना कार्य पूर्ण करने के लिए गणेश जी की पूजा की थी। गणेश जी को कई प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है, जैसे मोतीचूर के लड्डू, लाल रंग का जसवंती फूल और सिंदूर। लेकिन गणेश जी की पूजा में पवित्र तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। तुलसी का भी हिंदू धर्म में अहम स्थान है। तुलसी पूजनीय है और साथ ही साथ सदियों से इनकी पत्तियों को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। धार्मिक महत्व से हर घर मंदिर में पूजा के समय तुलसी अर्पित की जाती है। लेकिन भगवान विष्णु से विवाह और लगभग हर शुभ कार्य में इस्तेमाल होने वाले तुलसी को शिवलिंग और श्री गणेश की पूजा का स्थान प्राप्त नहीं है। गणपति पूजन में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्ते एक श्राप के चलते नहीं चढ़ाए जाते। गणेश जी की पूजा में तुलसी को शामिल नहीं करने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक धर्मात्म जाम का राजा हुआ करता था, जिसकी कन्या थी तुलसी, जिसका उस समय नाम वृंदा था। वृंदा तुलसी कैसे बनी, इस पर भी हमने वीडियो बनाई है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस समय तुलसी यौन अवस्था में थी, जो अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। कई जगहों की यात्रा करने के बाद उन्हें गंगा किनारे तप करते गणेश जी दिखे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था, गले में उनके स्वर्ण मणि रत्न पड़े हुए थे और कमर पर रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। उनके इस रूप को देख तुलसी ने गणेश जी से विवाह का मन बना लिया। उन्होंने गणेश जी की तपस्या भंग कर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तपस्या भंग होने से भगवान गणेश क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि वह ब्रह्मचारी हैं। इस बात से गुस्साई तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया और कहा कि उनके दो विवाह होंगे। इस पर गणेश जी ने भी उनको श्राप दिया और कहा कि उनका विवाह एक असुर से होगा। असुर की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी जी ने गणेश जी से माफी मांगी। इस पर गणेश जी ने कहा, ना तुम्हारा श्राप खाली जाएगा और ना मेरा। मैं रिद्धि और सिद्धि का पति बनूंगा और तुम्हारा भी विवाह असुर जलंधर से जरूर होगा, लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिय बनोगी और कलयुग में तुम्हें भगवान विष्णु के साथ पौधे के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन मेरी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसी दिन से भगवान गणेश की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।